अस्सलाम वालेकुम, लाइव फिरदौसी चौधरी में आप सबको वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ लच्छेदार चिकन पकोड़ा। अब उसकी रेसिपी मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। चिकन को मैंने इतने बारीक क्यूब्स में, जैसा कि शवारमा में और पिज़्ज़ा के लिए हम छोटे छोटे उसकी बाइट्स काटते हैं, वो मैं काट रही हूँ। इसको काटने के बाद मैं इसको सिरके वाले पानी में थोड़ी देर के लिए डिप करूंगी और उसमें मसाले शामिल करूंगी, जो कि मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करती जाऊंगी। इसकी कटिंग में आपने ये ध्यान रखना है कि क्यूब्स बहुत ज़्यादा बड़े ना हों, क्यूब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े ना हों, छोटे क्यूब्स हों, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये, जब तक हमारे पकौड़े तैयार हों तो ये भी अच्छी तरह से चिकन भी गल जाए। तो इसको मैं अभी इसकी कटिंग कर रही हूँ आपके सामने, उसके बाद मैं आपके साथ इसकी सारी रेसिपी जो है वो स्टेप बाय स्टेप शेयर करती जाऊँगी। कटिंग करने से, अगर आप फ्रेश चिकन ले रहे हैं तो कटिंग करने से 30 मिनट पहले या 15-20 मिनट पहले आप इसको चिकन को फ्रीज़र में रख दें, बोनलेस चिकन को, तो उसकी कटिंग बहुत ईजी हो जाती है। कुछ पीसेस जो मैंने रखे थे, मैंने सिर्फ अभी 10 मिनट इसको रखा था, कुछ बहुत सॉफ्ट थे, तो देखिए उसकी कटिंग में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अगर यही थोड़े से हार्ड हो जाते तो ये बहुत अच्छी इसकी कटिंग हो जाती है। इतने बारीक चिकन को काट के, तो आगे मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करती जाती हूँ। बारीक क्यूब्स की शक्ल में कटे हुए चिकन में 1 चम्मच सिरका और थोड़ा सा पानी मैंने शामिल करके रख दिया है। सिर्फ 5-10 मिनट के लिए रख के इसका पानी गिरा दूँगी और इसको वॉश कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने आलूओं को बारीक बारीक काट लिया है। छुरी के साथ भी काट सकते हैं, नाइफ से भी ये बहुत अच्छे कटते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैंने इनको पिलर के साथ इसकी जुलिन कटिंग की है। आपने इसको कद्दूकश नहीं करना, बल्कि इसको नाइफ से काटना है या पिलर। मेरे पास ये वाला पिलर था, इसके साथ मैंने इसकी कटिंग की है और आप देख रहे हैं इक्वल और बहुत अच्छी इसकी कटिंग हुई है। ये मैंने इसको काट के वॉश करके टोकरी में इसलिए डाल दिया है कि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। अब इसमें मैं मसाले शामिल करूँगी और चिकन को वॉश कर लेती हूँ। और मसाले जो हैं, हाफ क्वांटिटी मैंने मैरिनेशन में डाल देनी है, हाफ क्वांटिटी मैंने आलू में डाल देनी है। जितनी देर में चिकन जो है वो उसको सिरके में डाला हुआ है, जितनी देर में चिकन होता है उतनी देर में मैं आलूओं के लिए, जो मैंने जुलियन कटिंग में इसको आलूओं को काटा था, उसमें मैं कुछ मसाले शामिल कर देती हूँ और फिर हम चिकन को वॉश कर लेंगे। 1 प्याली मैं इसमें बेसन शामिल करूँगी और 1 चम्मच इसमें सोया सॉस जाएगी। आलूओं के साथ अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी बेसन। आप इसको आलू सॉफ्ट हो जाए या पानी छोड़ दें तो बेसन की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें 1 प्याली बेसन शामिल किया है, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं इसमें मज़ीद शामिल कर दूँगी, लेकिन मसालों का तनासब आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। इतनी क्वांटिटी जो है आलूओं की, उसके लिए मैं 1 चम्मच जो है वो नमक इसमें शामिल कर देती हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच ही मैंने इसमें गरम मसाला शामिल किया है। गरम मसाला घर में मैंने इसको अच्छी तरह साफ करके और पिसा होता है, मार्केट से पिसा हुआ इस्तेमाल नहीं करती हूँ मैं, घर में बनाती हूँ। 1/2 चम्मच जो है वो हल्दी का जाएगा इसके अंदर और 1/2 चम्मच काली मिर्च जाएगी। काली मिर्च भी घर में, घर की पिसी हुई दरदरी की होती है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं मैं बनाती। और इसी तरह इसमें 1 चम्मच जो है वो दड़ा मिर्च का जाएगा और 1 चम्मच ही ज़ीरा धनिया पाउडर जो है उसका मैं शामिल करती हूँ। तकरीबन 2 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है, पेस्ट मैंने मार्केट से परचेज़ किया है, मेहरान का जिंजर गार्लिक पेस्ट है, तो ये 2 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी। और चिकन के मुताबिक जो है वो, जब चिकन की मैरिनेशन करूँगी तो चिकन में भी शामिल करूँगी। अब ये सारे मसाले इसमें शामिल करके तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके छोड़ दूंगी। अगर आलू पानी छोड़ देते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें बेसन की क्वांटिटी थोड़ी सी और शामिल कर लीजिए, मसालों को चेक कर लीजिए, जो जो मसाले आपको कम लगे, नमक मिर्च वगैरह, वो शामिल कर दें।
चिकन को मैंने जो सिरका लगाया था तकरीबन 10 मिनट मुकम्मल होने के बाद चिकन को मैंने वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें भी इसकी क्वांटिटी के मुताबिक तकरीबन 1/2 चम्मच नमक का शामिल कर रही हूँ और 1/2 चम्मच इसमें जाएगा गरम मसाला, क्योंकि आलूओं और बेसन की निस्बत इसकी क्वांटिटी जो है वो कम है। ये मैरिनेशन हो रही है इसकी। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और काली मिर्च पाउडर, सब की क्वांटिटी जो है जितनी मैंने बेसन में शामिल की थी उससे मैं 1/2 क्वांटिटी इसमें शामिल करूंगी। दड़ा मिर्च डालेंगे इसके अंदर और लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भर के डाल देती हूँ और साथ में थोड़ा सा सोया सॉस, तकरीबन 1 स्पून ही आप समझ लें कि इसमें मैं 1 स्पून जो है वो सोया सॉस का शामिल करूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो रख देंगे तकरीबन, अगर बहुत जल्दी है तो फौरी भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर मैरिनेट करके कोई 15-20 मिनट के लिए आप रख दें तो ये बहुत अच्छा इसका जो है वो टेस्ट आएगा। जो मसाले मैंने इसमें शामिल किए हैं उनको शामिल करके थोड़ी देर मैं वेट करूंगी। तकरीबन 15-20 मिनट के वेट के बाद ये जो इसमें अच्छी तरह से मसाले रच जाएंगे तो फिर हम इसकी फ्राइंग शुरू करेंगे। अब कैसे फ्राई करना है, लच्छेदार चिकन पकौड़ा कैसे बनाना है और इसको सर्व कैसे करना है वो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताती जाऊँ। यहाँ पे पकोड़ों के लिए, उसके साथ पकोड़ों के साथ सर्व करने के लिए चटनी बनाऊंगी। धनिया पुदीना मैंने काट लिया है और इसमें मैंने 1 अदद सब्ज़ मिर्च शामिल की है और 1 चम्मच मैं इसमें ज़ीरा धनिया पाउडर डाल रही हूँ और 1 चम्मच ही नमक, क्योंकि ये चटनी हमने दही में शामिल करनी है तो ये दोनों चीज़ें जो हैं उसमें मिक्स होके क्वांटिटी इनकी बहुत मुनासिब रहती है। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ज़ीरा धनिया शामिल करके मैंने मिक्सी में इसको शामिल कर लिया। अब इसकी मैं चटनी बना लूँगी और उनको पकौड़ों के साथ सर्व करेंगे। इसमें मैंने आलू जो है उसमें बेसन डाला था, अब इसमें कबर मैंने धनिया डाल दिया है इसके ऊपर और साथ में 1 चम्मच सब्ज़ मिर्च इसलिए डाली है थोड़ी सी चॉप करके कि इसका फ्लेवर अच्छा हो जाए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, आलू और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करके। तो पकौड़े किस तरह बनाने हैं वो मैं आपको तरीका बता देती हूँ। लो फ्लेम पे मैंने ऑयल को हीट होने के लिए रख दिया है। अब मैंने इसके मटेरियल जो है इसको हमने बहुत पतला नहीं करना, थोड़ा सा मटेरियल इसका हाथ पे लेके इसमें हम ये चिकन रखेंगे, चिकन के 2 पीसेस छोटे छोटे क्यूब्स जो हैं रख के और एक पतली सी लेयर में इसके ऊपर लगा दूंगी ऐसे। इसको हम पैन में डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑलरेडी मैंने एक बना के डाला था तो इस तरह से सारे पकोड़े मैं बना लूँगी, साथ साथ बनाने हैं और उसके पैन के अंदर डालते जाना है। इसको भी मिक्स नहीं हलाना नहीं, इसकी साइड चेंज नहीं करनी, इसकी भी साइड चेंज नहीं करेंगे बल्कि इसको एक साइड से अच्छी तरह से पकने देंगे। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा बड़ा भी बना सकते हैं। मुझे मेरी सिस्टर फ्रेंड्स कह लें, उन्होंने मुझे बना के भेजे थे और मुझे बहुत टेस्टी लगे थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपनी ज़रूर इसकी वीडियो बनाइएगा। तो फ्लेम इसलिए आपने मुनासिब रखना है और इसकी लेयर को भी इस हिसाब से बनाना है कि ये बहुत ज़्यादा ना तो हार्ड हो और ना बहुत ज़्यादा पतली हो, तो इतनी देर में ये बनेंगे पकोड़े, चिकन भी अच्छी तरह से गल जाएगा। अगर हम इसके आलूओं को कद्दूकश करेंगे तो आलू जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाएंगे और चिकन जो है वो कच्चा रह जाएगा। अब इसको इस तरह गोल शक्ल में भी बना सकते हैं कि इसमें चिकन की फिलिंग आ गई है, अब इसके अंदर डाल दें। एक साइड सुनहरी होने पे मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी और इस तरह से मैं सारे पकोड़े बना के आपको दिखाऊँगी। मिर्च मसाला मैंने चेक कर लिया है, बेहतरीन है, आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं जी। तो ये लच्छेदार पकोड़े जो मैंने बनाए हैं ये आपने देख लिया था, इसका मेथड आपने देखा था कि मैंने इसको लेयर लगा के तो सेंटर में बोटी लगाई थी, ये इस तरह की इसकी लुक आई है। लेकिन अब बाकी के जो मैं बना रही हूँ उसका एक और तरीके से, मतलब आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं
कि इसके बोटी जो है इसके अंदर लेयर लगा दें, लेकिन आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। मैंने सारी मैरिनेट की हुई बोटियाँ इसमें मटेरियल में शामिल कर दी हैं। अब इसको मैं वन बाय वन उसके अंदर डालती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको थोड़ा सा फैला दें और जब एक साइड होके उसकी दूसरी साइड चेंज करें तो हल्का सा उसको प्रेस कर दें ताकि बोटियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से, मटेरियल भी बाकी और बोटियाँ भी गल जाएं। ये तरीका भी मुझे इजी लगा है। वो लच्छेदार पकौड़ों का दूसरे वाला तरीका भी सही है, लेकिन ये तरीका मुझे ज़्यादा इजी लगा है। आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से पकौड़े बना सकते हैं। दोनों तरीके से पकौड़े बना के मैं इसको डिश आउट करूँगी और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। इसकी एक साइड जो है वो सुनहरी हो गई थी, मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। साइड चेंज करके इसको थोड़ा सा चम्मच के साथ आप प्रेस कर दें ताकि चिकन जो है वो उसको अच्छी तरह से घी उस तक पहुंच जाए और चिकन अच्छी तरह से गल जाए। देखें फ्लेम बहुत तेज़ नहीं है कि आलू के रेशे जो हैं वो जल जाएं, लेकिन ये देखें इसका ये तरीका भी बहुत अच्छा है लच्छेदार पकौड़ों का। और चिकन को आप इसको साइड चेंज करके इसको चम्मच के साथ यूँ प्रेस कर लें, इससे भी चिकन बहुत अच्छा सा गल जाएगा जी। तो ये आप देख रहे हैं ये वो वाले पकोड़े हैं जिनकी मैंने लेयर्स लगाई थी और उसमें मैंने चिकन की बोटियां रख दी थी, और ये लच्छेदार पकोड़े जिनमें मैंने सारा चिकन शामिल कर दिया था ये वो वाले पकोड़े हैं। दोनों ही बहुत टेस्टी और लुक में बहुत अच्छे हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम जायज़ों नेक हाजतों को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।